चलिए अब आपको मिलवाते हैं आपकी फेवरेट वीरा से, जो डांडिया की मस्ती में शामिल हो गई है सास बहू और बेटियों के साथ। सो प्लीज मीट दिगंगना, कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ। और हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ हंस रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज़ हम लास्ट कन्वर्सेशन याद कर रहे हैं और हमने इतनी गप्पे मारी हैं। टेल यू सो दिगंगना बड़े दिनों बाद ससुर बेटिया से भी रूबरू हो रही है मेरे जरिए। सो सबसे पहले तो आप प्लीज बताइए अपने लुक के बारे में। लुकिंग अमेजिंग गर्ल। एज इट्स डांडिया तो घाघरा चोली वाला फील तो बनता है। ये बहुत ही ऑथेंटिक है, लाइक दिस इज एक्चुअली वेरी सारी फील जो दुपट्टे में दिया हुआ है, विच आई रियली लाइक बिकॉज आई फील यू नो वो ऑथेंटिसिटी मिस नहीं होनी चाहिए कपड़ों से, बिकॉज आप ग्लिटरी एंड शिमरी इन फैक्ट। सो ये ब्लाउज बहुत सिंपल है बिकॉज ये कलर ट्राई कलर है एंड ये पैरेट ग्रीन प्यारा सा लहंगा विच इज़ अगेन बहुत एथनिक, लाइक प्रिंट्स भी यूज, इट्स ऑल प्रिंटेड बेसिकली एंड बहुत लाइट वेटेड है। ज्वेलरी भी आई हैव केप्ट वेरी एलिगेंट एंड यू नो राजा महाराजाओं के टाइम पे होते थे लाइक चोकर्स भी टाइट वंस, इट्स ऑल कॉन्ट्रास्ट बट आई लाइक इट। ओके सो दिगंगना लास्ट सबने आपको बिग बॉस में देखा था और उसके बाद आप मारे में एक नहीं दो दो फिल्में कर रही है, सो क्यों ना आप अपनी फिल्मों के बारे में बताएं। जी हाँ, 12 अक्टूबर 2018 यानी इस फ्राइडे मेरी दो फिल्में रिलीज हो रही हैं। वन इज कॉल्ड फ्राइडे FRYDAY फ्राइडे और एक का नाम जलेबी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये टेक्निकली डबल डेब्यू है। सो आई रिमेंबर जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि दूसरी फिल्म भी इसी दिन आ रही है, मुझे एक सेकंड के लिए नहीं पता था कि अच्छी बात है या बुरी बात है। सो आई कॉल्ड अप माई डायरेक्टर, आई सेड यू नो, एंड मेरा एक्सप्रेशन वॉज लाइक ऐसे पैरानॉइड डिस्टर्ब, लाइक ये क्या है, ये डोंट मी तुम्हें पता है दिस इज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री। आई केप्ट द फोन डाउन, आई वाज लाइक बहुत सही हो रहा है, वेरी गुड। सो आई थिंक मतलब बेसिकली डेब्यू वो भी एक साथ दो फिल्मों में और एक ही दिन। सो अगर मैं पूछूं फेवरेट वाली कौन सी होगी तो क्या है वो? दोनों सेम लेवल पे हैं बिकॉज फ्राइडे गोविंदा सर, अभिषेक डोगरा कितने अच्छे डायरेक्टर हैं, वरुण शर्मा बहुत ही अमेजिंग कास्ट है, बहुत बहुत मस्ती की है। हम एक्चुअली सेट पे हंस हंस के गिर जाते थे, आई होप जब लोग फिल्म देखें तो उनके साथ भी वैसा ही होगी, हमारा एजेंडा है। जलेबी मैं ऑब्वियसली भट्ट साहब एंड मुकेश जी के कारण करना चाहती थी बिकॉज मुझे उनके साथ काम करने में जो बोलते हैं ना भट्ट साहब सेट पर थे उनसे बातें करना, बिकॉज उनका प्रस्पेक्ट एंड उनका फिल्म मेकिंग को लेके एक नज़रिया बहुत डिफरेंट है, तो वो मेरे हिसाब से एक मेंटोरशिप पीरियड जैसा हो गया था कि मतलब आई नो गेटिंग थिंग्स। फ्राइडे मैंने पहले शूट की थी तो अगर मुझे पिक करना ही पड़े तो मैं फ्राइडे करूँगी बिकॉज टेक्निकली शूटिंग वाइज फ्राइडे फर्स्ट। ओके फ्राइडे की हम बात करें तो गोविंदा जी का एक डायलॉग है जो हर कोई नरकेट लाइक अ चैलेंज, इट इज व्हाट इट इज, नौ रसों के विभत्स नहीं, सो इट्स अबे नौ रसों के विभत्स रस बैकग्राउंड में जो छंद बिना डीएनए के बाल विक्रम पे लड़की हुए बेताल तू चलता है या मैं निकालूं बाहर, आई स्वेयर। और मुझे थोड़ा ही समझ आया और लास्ट वाला ही मैं समझ पाई कि तू चलता है या निकालूं बाहर। सो धीरे धीरे कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इट इज? यस, अबे मतलब अबे तो आप समझते हैं, नौ रसों के विभत्स रस व्याकरण में उलझे हुए छंद बिना डीएनए के बाल विक्रम पे लटके हुए बेताल तू चलता है या मैं निकालूं बाहर। वाह वाह, तो ये तो इनके डायलॉग की बात है, ये तो बात हुई इनके लुक की। और जल्द आने वाली है फिल्म फ्राइडे एंड साथ ही में जलेबी, दिस फ्राइडे राइट? यस दिस फ्राइडे। और आज देखिए फ्राइडे फुल ऑन कॉमेडी है, मुझे लगता है आपको बहुत हंसी आएगी। सो आज कितनी मस्ती होने वाली है क्योंकि आज आप एक ऐसी जगह आई है जहाँ डांडिया की धूम मची हुई है। ऑफकोर्स एक तो नवरात्रि हैं तो देवी माँ का आशीर्वाद रहे आई प्रे, दूसरा गरबा और डांडिया वन स्ट्रेस बस्टर है, दूसरा यहाँ जितने लोग आए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ मेरी फिल्म आ रही है तो प्लीज़ देखने चाहिए, एंड तीसरा मैं पूरा दिन से इधर उधर भाग रही हूँ फॉर या एक या कोई और चीज़, तो फाइनली मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके इंजॉय करूँगी। सो चलिए काम करते हैं, सीधे हम दिगंगना को स्टेज पर ही ज्वाइन करते हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, lots of wishes, जल्दी से जरूर देखिए, बुकिंग कर लीजिए टिकट की एंड डू वॉच। इतने प्यार से बोल रही हैं, आपको बात माननी चाहिए। कैमरा पर्सन योगेश के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।